एलर्जी जो देखेंगे, ठीक है, ये फोर टाइप्स के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइट अफेक्टेड। ठीक है, तो एलर्जी, तो एलर्जी जो है इसको हम कह सकते हैं कि इज कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट अफेक्टेड, कि कौन सा साइट अफेक्टेड है उस बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट अफेक्टेड इट इज कैटेगराइज इनटू फोर कैटेगरीज। ठीक है, तो चार कैटेगरीज कौन कौन सा है, तो किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइट अफेक्टेड। ठीक है, इस बेसिस पर। तो पहला जो है इसको कहते हैं दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, दिस इज नोन एज एलर्जिक राइनाइटिस, और इसी को हम हे फीवर भी कहते हैं, हे फीवर। तो एक्चुअली में देखते हैं कि राइनाइटिस क्या होता है। राइनाइटिस एक है जो देखेंगे कि इट इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू वायरल इंफेक्शन, वायरस से होता है, राइनो वायरस से, कौन सा, RHINO, राइनो वायरस। ठीक है, लेकिन कभी कभी एलर्जन से भी होता है, इसीलिए हम इसको टर्म दे दिया एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस कॉज ड्यू टू एलर्जन, और इसी को नाम क्या है, हे फीवर कहते हैं। तो हे फीवर, तो एक्चुअली में हे फीवर है, तो ये क्या है, इट इज अ एलर्जी ऑफ क्या, हे फीवर है, तो इट इज अ एलर्जी ऑफ, कह सकते हैं इट इज अ हे फीवर है ना, तो ये क्या का एलर्जी है, इट इज अ एलर्जी ऑफ नेजल लाइनिंग, नेजल लाइनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेजल प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है, इसीलिए नेजल लाइनिंग। दूसरा जो हम देखेंगे कौन सा है, तो दूसरा है इसको हम कहते हैं अस्थमा। ठीक है, अस्थमा मतलब क्या हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो होता है वो, तो अस्थमा है, इसमें क्या होता है कि ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकस ब्रोंकियोस, वो क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो गया, तो सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत हो जाती है, ज्यादा सांस क्या होता है इसमें, छोड़ना ज्यादा दिक्कत होता है, एक्सपायरेशन इज मोर डिफिकल्ट इन देन इंस्पायरेशन, तो हम इसको कहते हैं अस्थमा। तो इसको हम कहते हैं दैट इज एलर्जिक अस्थमा कह सकते हैं, और ब्रोंकियल अस्थमा, क्या कहेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा, ASTHMA। ठीक है, तो एलर्जिक अस्थमा भी कह सकते हैं, और आप इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो, और इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे कि ब्रोंकियल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये किसका है, सिंपली जिस तरह कह रहा है कि इट इज एलर्जी ऑफ नेजल लाइनिंग, इट इज एलर्जी ऑफ व्हाट, इट इज एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी ना, तो इट इज एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एलर्जी है। ठीक है, तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अस्थमा, अगर ये नेजल लाइनिंग का हो तो इसको हम क्या कहेंगे, नेजल लाइनिंग, तो इट इज नोन एज हे फीवर, तो हे फीवर और अस्थमा। ठीक है, तीसरा जो देखेंगे ये एलर्जी स्किन का भी हो सकता है, एलर्जी स्किन का भी हो सकता है, तो अगर स्किन का एलर्जी होगा तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज अर्टिकेरिया, क्या कहेंगे, अर्टिकेरिया, और इसी को कह सकते हैं दैट इज नोन एज, एक और है, एक जेमा कह सकते हैं, ECZEMA, एक जेमा। ठीक है, तो ये हो सकता है अर्टिकेरिया और एक जेमा, अर्टिकेरिया का एक और टर्म है इसको हाइव भी कहते हैं, और एक जेमा जो है डर्मेटाइटिस, DERMATITIS, डर्मेटाइटिस, तो नाम से लग रहा है कि स्किन का, ठीक है, स्किन में इचिंग उचिंग होगा। ठीक है, ये तो ये अर्टिकेरिया, तो ये क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, अभी पता है साइट अफेक्टेड, तो यहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहां पर नेजल लाइनिंग है, यहां पर इट इज एलर्जी ऑफ व्हाट, इट इज एलर्जी ऑफ किसका है, ये स्किन का एलर्जी है। ठीक है, तो ये इट इज एलर्जी ऑफ स्किन, तो स्किन वगैरह जो होगा इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज अर्टिकेरिया एक्जेमा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ, एक और देखेंगे, तो फोर्थ जो है उसको कहेंगे ब्लड का भी हो सकता है, ब्लड में। ठीक है, जैसे कि सपोज करें ब्लड में इंजेक्शन हम दिए, कोई ले लिए अंदर पेनिसिलिन, चाहे कोई एंटीटॉक्सिन लिए हैं, टॉक्सिन है ना, तो उसको लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन ले लिए, हो सकता है ना, चाहे कोई कह सकते हैं कि कोई ड्रग्स ले लिए,
चाहे ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हनी बी है, बीज है, वास्प है, इसके बाद एंट है, वो काट लेती है तो क्या जाएगा अंदर? वेनम भी तो हो सकता है, तो वेनम भी जा सकता है ब्लड में, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या कहते हैं? तो फोर्थ जो होगा उसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एनाफाइलेक्टिक शॉक। यहां लिख दे एना, ए एन ए पी एच वाई एल ए सी टी आई सी, एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, सो चूज सी है, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी क्या है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। और इसी को हम कह सकते हैं एक और नाम, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस। क्या कहेंगे? सिस्टमिक, एस वाई एस टी ई एम आई सी एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। तो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है। तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक एक्चुअली में जो फोर्थ वाला है, ये एलर्जी ऑफ क्या कहेंगे? एलर्जी ऑफ ब्लड कह सकते हैं। इट इज एलर्जी ऑफ व्हाट? एलर्जी ऑफ आप कह सकते हैं ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का एलर्जी है, अगर ब्लड में कोई ऐसा चीज डाल दिए उसके चलते एलर्जी हो रहा है तो दैट इज नोन एज एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। तो ये एलर्जी ऑफ कौन सा हो गया? नेजल लाइनिंग हो गया, एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया, दैट इज ट्रैक्ट हो गया, एलर्जी ऑफ स्किन हो गया, एलर्जी ऑफ ब्लड हो गया, ये चार, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, ये तो एलर्जी क्या क्या है उस बेसिस पर, अब हम देखेंगे इसमें एंटीजेंस क्या क्या होगा। एंटीजेंस मेनली, अभी हम बताएं एंटीजेंस मतलब क्या होगा, दैट इज कह सकते हैं कौन सा एलर्जन, ठीक है। तो एंटीजेंस क्या होगा? तो इसमें एंटीजेंस क्या हो जाएगा, इसमें कह सकते हैं मेनली ये जो राइनिटिस होता है ना, कभी कभी छींकने लगते हैं अचानक, स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग छींकने लगते हैं, इसके बाद आंख से पानी आने लगता है, ठीक है, वाटरिंग आइस, तो ये सब कहां पर होता है? तो ये हम सिंपली हम कहेंगे ये हे फीवर में। तो हे फीवर में एंटीजन क्या हो गया? इन इट द एंटीजन इज पॉलन ग्रेन्स। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा? मेनली पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो हे फीवर में एंटीजन जो होगा वो होगा पॉलन ग्रेन्स। दूसरा इसमें क्या होगा? ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह में, इसमें भी पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं, ठीक है। डस्ट हो सकते हैं, माइट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, डस्ट हो सकते हैं। इसके बाद वायरल कोई एंटीजन हो सकता है, क्या एजी मतलब वायरल एंटीजन, तो पॉलन ग्रेन, डस्ट, वायरल एंटीजन, इसमें क्या है? पॉलन ग्रेन। तो मेनली जो है पॉलन ग्रेन जो होगा, ग्रेन्स, ये इट विल कॉज हे फीवर। इसमें क्या होगा? पॉलन ग्रेन, डस्ट, वायरल एंटीजन बहुत सारे होंगे, तो ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें क्या होगा? स्किन का एलर्जी जो होता है मेनली खाना से होता है, दैट इज तो फूड, ठीक है, फूड। तो फूड जैसे बताए थे ना, कौन कौन सा इसमें, एग बताए थे, फिश हो सकता है, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। तो किसी किसी में क्या होता है, एग है, फिश है, तो अगर कोई फूड है एंटीजन की तरह काम करता है, उसके वो एलर्जन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें एंटीजन क्या होता है? तो इसमें एंटीजन जो होगा इसमें वेनम्स होगा, वेनम क्या होगा इसमें? वेनम, ठीक है। वेनम किसका? तो कह सकते हैं बीज का हो सकता है वेनम, वेनम किसका होगा? यहां लिख दे रहे हैं बीज का। वास्प हो सकता है, वास्प ये उसको कहते हैं तितैया, हड्डा जो है वास्प। उसी तरह एंट हो सकता है, तो ये क्या करेंगे जब भी काटेंगे तो बीज, वास्प और एंट क्या करते हैं? वेनम निकालते हैं। तो डेट में ऑल्सो कॉज क्या? एलर्जी, ठीक है, एलर्जी। और ये एक्चुअली में क्या है, ये वाला जो है ना, इट इज एनाफिलेक्टिक शॉक, क्या है? इट इज सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। कौन सा है ये? ये सीवियर फॉर्म है सबसे, इट इज द सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। आप लिख दे रहे हैं ये क्या है, ये सबसे सीवियर फॉर्म पूछेगा कौन सा है? यही है। तो दिस इज सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। क्यों है? अभी हम देखते हैं, क्योंकि इसमें डेथ भी हो सकता है। सीवियर फॉर्म क्यों है? बिकॉज इट में लेड टू डेथ, ठीक है। ये अब आप देखिए, ये हो सकता है इसमें, तो इसमें हम देखेंगे पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, डस्ट, वायरल एंटीजन, फूड और वेनम, ठीक है। वेनम के अलावा इसमें और भी हो सकते हैं क्या? और आप कह सकते हैं कि इसमें हो सकते हैं कुछ पेनिसिलिन, मेडिसिन वगैरह करते हैं जो, पेनिसिलिन ले सकते हैं, ये होगा। इसके बाद क्या होगा? पेनिसिलिन के बाद आप ले रहे हैं, सपोज करिए एंटीटॉक्सिन, कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं ब्लड में, एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, कोई टॉक्सिक है तो उसको हटाने के लिए एंटीटॉक्सिन ले रहे हैं, तो दैट में एक्ट एज क्या? दैट में एक्ट एज एलर्जन। तो ये सब हो गया,
ठीक है, इसमें इसमें फूड हो गया, इसमें हो गया ये, इसमें हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया एंटीजेंस। अब एंटीजेंस के बाद ठीक है, इन सभी में क्या बनेगा, आईजीए एंटीबॉडी बनेगा, और ये क्या होगा, ये कुछ ना कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकालेंगे। तो केमिकल मीडिएटर्स इसमें देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें जो होगा केमिकल मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है। तो केमिकल मीडिएटर्स जो होगा क्या क्या निकलेंगे, तो केमिकल मीडिएटर्स जो देखेंगे एक्चुअली इसमें तो निकलेगा क्या, हिस्टामिन। तो मेनली जो होता है इसमें हिस्टामिन इज मेनली रिलीज्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, हिस्टामिन, दिस इज हिस्टामिन, ठीक है। इसमें देखेंगे यहां पर, तो इसमें हिस्टामिन तो निकलता ही है, हिस्टामिन वगैरह तो है ही, कॉमन है। यहां पर निकलता है ल्यूकोट्राइकिंस, ल्यूकोट्राइन्स, यहां पर निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस, यहां पर क्या होगा प्रोस्टाग्लैंडिंस, इसमें साइटोकाइंस सभी निकलते हैं, ठीक है। और ये वाला में इसमें क्या है, जनरली कुछ ऐसे ही मेंशन नहीं है, तो ये हिस्टामिन ही निकलेगा। यहां पर जो निकलेगा साइटोकाइंस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए सभी चीज निकल रहा है, मेनली रोल इसमें इसका है, इसमें ज्यादा क्या निकलेगा, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है। और ये दोनों निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये बताए तो थे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्या कर देगा, म्यूकस प्रोडक्शन करेगा ये मेनली। और यहां पर हिस्टामिन भी निकल रहा है, तो हिस्टामिन क्या करेगा, ये बताए थे अभी वैसो डायलेटर, डायलेटर, तो वैसो डायलेशन। और ये होगा तो क्या हो गया, इंक्रीज्ड परमियाबिलिटी एंड इंक्रीज्ड परमियाबिलिटी, ठीक है, ये करेगा। और ये क्या कर देगा मेनली, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन ये हो गया। यहां पर क्या होगा, ये निकलेगा, यहां पर देखेंगे जनरल क्या होगा, हिस्टामिन ही है। यहां पर देखेंगे तो इसमें निकलेगा, दैट इज यू कैन से हिस्टामिन, निकलते ही हिस्टामिन तो सभी में कॉमन है, और साइटोकाइंस, साइटोकाइंस, ठीक है। क्या निकलेगा, साइटोकाइंस निकलेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो ये क्या है साइटोकाइंस, आप याद रखना चाहें तो इसमें निकलता है कौन सा, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। लेकिन यहां जो साइटोकाइन निकलता है कौन सा, इंटरल्यूकिन 4, 5, 6, तो ये सब याद रखेंगे। और ट्यूमर नेक्रोसिस क्या होगा, ये याद रखेंगे, इसमें फोर नहीं सॉरी यहां पर है 4, 5, 6, 4, 5, 6, और यहां पर क्या है 1, इसको याद रखिए। हालांकि इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कौन सा निकलता है, लेकिन आप याद रखेंगे साइटोकाइंस भी एज केमिकल मीडिएटर्स में आते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा दोनों में है, ठीक है। अब देखिए, तो आपको ये याद रखना है कि क्या कर सकते हैं, एलर्जन कौन कौन सा है, पॉलन ग्रेन, डस्ट, वायरल एंटीजन, फूड, वेनम, ये सब हो सकते हैं एलर्जन। ये क्या है, केमिकल मीडिएटर्स पहले ही बता चुके हैं, हिस्टामिन हो सकता है, ल्यूकोट्राइन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा अलग अलग बता दिए बस, ठीक है। अब सिम्टम्स अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसमें सिम्टम्स, सिम्टम्स, ठीक है, सभी में सिम्टम्स अगर देखेंगे तो सिम्टम्स क्या होगा, तो यहां पर देखिए सिम्टम्स इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो सिम्टम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्नीजिंग, ठीक है, तो सिम्टम क्या हो जाएगा, स्नीजिंग, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं वाटरिंग आइस, वाटरिंग आइस, रनिंग नोज, रनिंग नोज, ये तो यहां पर देखिए ये दिया हुआ है ना, ये क्या है, राइनिटिस नेजल लाइनिंग है, नेजल से क्या हुआ, सीसी करते रहेंगे, मतलब क्या हुआ, स्नीजिंग, ठीक है, छींकते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्नीजिंग। और इतना छींकेंगे कि क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, पूरा लाल हो जाएगा फेस वगैरह, वाटरिंग आइज हो जाएगा, रनिंग नोज, ठीक है। तो ये लाल वगैरह कैसे हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के चलते, ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये क्या करता है, इंक्रीज परमियबिलिटी एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिम्टम क्या क्या है, स्नीजिंग, वाटरिंग आइज एंड रनिंग नोज, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो इसमें जो देखेंगे
तो यहां पर अगर अस्थमा है तो इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, क्या है ये, क्या कर रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डिफिकल्ट इन व्हाट, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में क्या हो गया, ब्रीदिंग में कह सकते हैं क्या, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ना, तो यहां पर डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, तो डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या होगा, सांस लेने में। तो यहां पर क्या होता है, अगर पूछ देगा इंस्पायरेशन डिफिकल्ट है कि एक्सपायरेशन, सांस छोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्सपायरेशन इज मोर डिफिकल्ट देन इंस्पायरेशन, तो यहां पर कह सकते हैं, ये कह सकते हैं एक्सपायरेशन इज डिफिकल्ट, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू क्या, देन इंस्पायरेशन। तो सांस छोड़ना इज मोर डिफिकल्ट, एक्सपायरेशन इज मोर डिफिकल्ट, ठीक, तो डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। इसके बाद ये क्या होता है, ये क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो एक तरह से आवाज लिखता है विज टाइप, तो वीजिंग भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं सिम्टम को, वीजिंग, WHEEZING, आवाज दूसरे दम्बा जो होते हैं ना, वो क्या होता है दूसरे तरह का, इस तरह का कुछ आवाज दूसरे तरह का, वीज कहते हैं उसको आवाज को, तो वीजिंग। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग भी दिया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी इज स्नीजिंग, वाटरिंग आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वीजिंग, इतना एनसीईआरटी में है, ठीक है। लेकिन अलग अलग बताएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका अगर पूछ देंगे इसका, तो अर्टिकेरिया अगर हुआ है ये वाला, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो इसमें हम कह सकते हैं, वी कैन से इसमें कि स्किन का है ना, तो स्किन का रेडनिंग होगा, इचिंग होगा, तो रेडनिंग कह सकते हैं, स्वेलिंग भी हो जाएगा, स्किन क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, स्वेल भी करेगा ना, तो हम कह सकते हैं स्वेलिंग, स्वेलिंग, ओडिमेटस कहेंगे इसको, ओडेमा बन जाएगा ना, स्वेलिंग मीन्स ओडेमा, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ओडिमेटस, ठीक है, तो स्वेलिंग। इसके बाद और क्या हो जाएगा, स्वेलिंग के बाद रेडनिंग, REDDNING, रेडनिंग एंड इचिंग, इचिंग ऑफ स्किन, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा रेडनिंग एंड इचिंग ऑफ स्किन और स्वेलिंग। रेडनिंग जो होता है ना, इसको कहते हैं इराइथीमेटस, क्या कहते हैं, ERY, रेडनिंग को एक टर्म कहते हैं, इराइ लाल हो जाता है ना, इराइथीमेटोसस कहते हैं, तो रेडनिंग जो है इसको क्या कर सकते हैं हम इधर, इसको टर्म इराइथी, ERYTHEMATOSUS, इराइथीमेटोसस। स्वेलिंग क्या, ओडोमेटोसस, ODOMATOSUS, ठीक है, मतलब कि ओडेमा हो जाएगा ना, स्वेलिंग, ठीक है, ये तो स्वेलिंग, रेडनिंग एंड क्या, इचिंग ऑफ किसका, स्किन, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें तो इसका तो हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, एनाफिलेक्टिक शॉक अगर है तो इसमें क्या क्या होगा सिम्टम्स, ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होगा कि लो ब्लड प्रेशर, हिस्टामिन वगैरह है, तो हिस्टामिन क्या कर रहा है, वैसो डाइजेशन कर रहा है, ब्लड वेसल को डायलेट कर दे रहा है, ठीक है, तो डायलेट कर दे रहा है, तो परमेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ क्या, ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ किसका, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का बढ़ जा रहा है। अब परमेबिलिटी बढ़ गया तो जो ब्लड था, ब्लड में जो फ्लूड था वो क्या हो गया, ब्लड वेसल से निकल के कहां चला गया, बाहर चला गया एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर का यहां पर हम एक इवेंट लिख ही दे रहे हैं, यहां पर हिस्टामिन था तो ये क्या किया, याद रहेगा आपको, वैसोडाइलेशन, ठीक है, वैसोडाइलेशन, डाइलेशन ऑफ वैसो मतलब ब्लड वेसल, वैसोडाइलेशन मतलब क्या हुआ, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ किसका, कैपिलरी, तो इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है, एक लाइन इस पूरा लिखते हैं, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, यहां तक तो कह रहे हैं, अब देखिए इंक्रीज कैपिलरी हो गया तो जो भी ब्लड में फ्लूड थे वो लीक करके बाहर आएगा ना, तो फ्लूड कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू कहां पर,
इंटरस्टिशियल स्पेस बाहर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वहां आ जाएगा ना, इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बाहर आ जाएगा टिश्यूज में, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर कहां आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस इन टिश्यू में। और वहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ गया तो वहां पर क्या होगा, वहां गया तो स्वेलिंग तो करेगा ही, वहां स्वेलिंग कर देगा। लेकिन अब इतना हुआ तो आप खुद बताइए कि वैसोडाइलेशन हुआ, इंक्रीज कैपिलरी हुआ, फ्लूइड बाहर निकल गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ गया ज्यादा, तो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड था कम हो गया ना, ठीक है। तो कह सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया ना, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्चुअली में कह सकते हैं इसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और ये ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा ना, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया, ब्लड ही कम हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट करने वाला क्या होगा, वो कम होगा। तो इसमें एक्चुअली में क्या हो जाता है, इसमें स्वेलिंग जैसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देयर इज अ डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कम हो गया इसमें कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, स्नीजिंग, वाटरिंग आइस, रनिंग नोज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, दैट इज वीजिंग, ये आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया जा, लेकिन पूछ सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसमें, स्वेलिंग, रेडनिंग एंड इचिंग ऑफ स्किन, यहां पर कह सकते हैं क्या, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम जब हो गया और ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ऑर्गेन्स जो है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स दे डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या, ये देखेंगे कि जनरली एस्फिक्सिएशन हो जाता है और डेथ हो जाता है। तो डेथ इसमें क्या हो जाएगा, इवन डेथ हो जाता है, डेथ बाय एस्फिक्सिया, ASPHYXIATION, एस्फिक्सिएशन, तो ये डेथ हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर ये तो हो गया क्या, तो एंटीजेंस कौन कौन से हैं, केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, इसके बाद सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ये सब देख लिए। अब हम एक देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके लिए ड्रग्स कौन कौन सा यूज करेंगे एलर्जी को, अगर एलर्जी को रिमूव करना है तो ड्रग्स कौन कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो ड्रग्स, तो यहां पर हम एक लिख दे रहे हैं सीधे नोट करके याद रखिएगा, ड्रग्स तो कौन कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है, तो ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ड्रग्स कौन कौन सा यूज करेंगे इसमें, तो ड्रग्स हम कर सकते हैं, वी कैन यूज एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, वी कैन यूज एंटीहिस्टा मीन्स यूज कर सकते हैं, तो ये एंटीहिस्टामिन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हॉर्मोन, ठीक है, पढ़े हैं तो एड्रिनलिन, इसी को क्या कहते हैं, एपी नेफ्रीन भी कहते हैं, तो एपी नेफ्रीन भी हम यूज कर सकते हैं और इसी को एड्रिनलिन कहेंगे, ठीक है। और एक और देखेंगे, दैट इज नोन एज स्टेरॉइड्स भी हम यूज कर सकते हैं, क्या, स्टेरॉइड्स, ठीक है, तो कोई स्टेरॉइड ड्रग्स भी यूज करते हैं। और ये जो स्टेरॉइड यूज करते हैं, जैसे जनरली क्या हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जैसे होता है कॉर्टिसोन होता है, CORTISON, कॉर्टिसोन, ठीक है, प्रीडनिसोलोन, प्रीडनिसोलोन, ये सब है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं, वी कैन से व्हाट आर द वेरियस ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, तो इसके लिए हम वी कैन यूज एंटीहिस्टामिन, एड्रिनलिन एंड स्टेरॉइड, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, क्या यूज करते हैं, द ड्रग्स यूज्ड फॉर एलर्जी इज एंटीहिस्टामिन, एड्रिनलिन एंड कौन सा, स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये तीनों ड्रग्स है। स्टेरॉइड में ही क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, कॉर्टिसोन, प्रीडनिसोलोन, ठीक है। अब आपको पूछ देगा, ठीक है, बस इतना ही दिया है, लेकिन आपको पूछ देगा कि अगर किसी को अस्थमा हुआ है, ठीक है, इसमें कौन सा ड्रग यूज करेंगे, मैंने अच्छा ड्रग्स कौन सा है फॉर अस्थमा, चाहे पूछ देगा एनाफाइलेक्टिक शॉक है इसके लिए कौन सा ड्रग है, तो आप क्या बताएंगे, चाहे पूछ देगा हे फीवर है कौन सा ड्रग, ठीक है। तो इसके लिए जानने के लिए आंसर, एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन क्या करता है, इट इंक्रीजेस क्या, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, पढ़े ना, एड्रेनालिन इंक्रीजेस रेट ऑफ हार्ट बीट, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को क्या करता है ये, बढ़ाता है, ठीक है। तो एड्रेनालिन इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर पढ़े, ठीक है। इसके बाद आप पढ़े एड्रेनालिन क्या है, इट इज अ ब्रोंको डायलेटर, ठीक है, क्या है, ब्रोंको डायलेटर, तो ब्रोंको डायलेटर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ब्रोंकियल अवस्था में क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है ना, क्यों, क्योंकि ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो डायलेट करना है ना, तो अस्थमा के लिए हम कौन यूज करेंगे, एड्रेनालिन यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज इट इज अ ब्रोंको डायलेटर, डायलेट कर देगा ब्रोंकस को, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, एड्रेनालिन यूज करेंगे। इसके बाद अभी हम बताए हैं कि एड्रेनालिन क्या करता है, इट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, तो यहां पर क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो गया है ना, तो बढ़ाना है ना, तो कौन सा यूज करेंगे, एड्रेनालिन यहां यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है। और सब में रेस्ट में क्या होगा, मेनली अगर एलर्जिक राइनिटिस है तो इसमें क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन हम यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, एंटी हिस्टामिन है ना, तो ये ड्रग क्या करेगा, जो भी है हिस्टामिन का रिसेप्टर उसको बाइंड कर देगा, और हिस्टामिन जो बाइंड करना था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं, दिस एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन जो होगा किसमें यूज करेंगे, ठीक है, ये किसमें मेनली परफेक्ट होगा, अस्थमा में, ठीक है, तो ये अस्थमा कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, और कौन सा, एनाफाइलेक्टिक में, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये वाला जो है इसमें यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला कौन सा है, एड्रेनालिन बढ़ा देगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो ब्रोंको डायलेटर कौन सा होता है, अस्थमा में यही करेगा, तो एड्रेनालिन यूज होगा इन दोनों में। और सब में अगर पूछेंगे एंटी हिस्टामिन कहां पर परफेक्ट होगा, यूज होगा, तो ये हे फीवर में कर सकते हैं, कहां पर, हे फीवर में, तो हे फीवर में हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन सा यूज करेंगे, सुटेबल होगा, इसको लिख लीजिए।